दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपने फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट नंबर को जीमेल में कैसे सेव करें। तो भाइयों, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, उस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखा। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं भी देखा है तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आ रहे थे कि भाई, कॉन्टैक्ट नंबर को जीमेल में तो सेव करना आपने बता दिया, लेकिन अब ये बताओ कि मान लो कि उस जीमेल के नंबर को यदि हम दोबारा से कॉन्टैक्ट में लेकर आएँ तो उसे कैसे लाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, बहुत से कमेंट मुझे देखने को मिला जिसमें ये पूछा गया कि जीमेल में जो नंबर मैंने सेव कर दिया उसको दोबारा कॉन्टैक्ट में कैसे लाएं। तो उसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ कि आप वह ट्रिक कैसे अपने कर सकते हैं, यानी जीमेल के नंबर को कॉन्टैक्ट में कैसे वापस ला सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जीमेल में यदि आपके सारे नंबर सेव हैं तो उसे दोबारा से कॉन्टैक्ट में कैसे लाना है। तो फ्रेंड, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये सब करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबाकर आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और यहाँ पर दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स है, इस कमेंट बॉक्स में आपका जो भी दिल करे वह आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों आपके कॉमेंट को पढ़ता हूँ, आपके कॉमेंट को लाइक और हट देता हूँ। इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बस समझने का फेर है। यदि आपके सारे नंबर जीमेल में सेव है और दोबारा से कॉन्टैक्ट में लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन पर आ जाना है। तो यहाँ पर मेरा जीमेल एप्लीकेशन है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर जीमेल पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही जीमेल पर क्लिक करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पर लोगो दिख जाएगा। आपको यह देख लेना है कि आपका सारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी जीमेल में है या दूसरे में है, तो आपको इस लोगो पे क्लिक करना है। जैसे लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जितने जीमेल होंगे आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। यदि मान लीजिए आपका सारा कॉन्टैक्ट इसी जीमेल पर है तब तो ठीक है, यदि मान लीजिए इस पर है तो आपको इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो ये जीमेल ऊपर और चला जाएगा। तो मेरा सारा कॉन्टैक्ट इसी जीमेल पर है तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है। नीचे आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। अब जैसे ही फ्रेंड इस पर एक बार टैप कर देंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको ध्यान से वीडियो को देखना है तब आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा आपको इधर स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा इधर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पीपल एंड शेयरिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको एक बार इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही फ्रेंड इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ जाएगा, आपके कॉन्टैक्ट में कितने सेव हैं आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो मेरे कॉन्टैक्ट में 276 नंबर सेव्ड हैं तो यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। अब रह गई बात कि हम यहाँ से इन सारे नंबर को एक ही बार में अपने फ़ोन में या दूसरे जीमेल में कैसे लें, तो सवाल तो ये रहता है कि अब यहाँ से हम नंबर कैसे लें। तो उसके लिए दोस्तों, आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस एरो पर एक बार आपको टैप करना है। तो जैसे दोस्तों एरो पर टैप करेंगे तो आपके फ़ोन में कोई ब्राउज़र भी ओपन हो सकता है। अगर कोई ब्राउज़र ओपन होता है तो आप क्रोम ब्राउज़र को चूज कर लीजिएगा, उस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं आएगा तो आपका अपना जीमेल आ जाएगा और आपको पासवर्ड डालने के लिए कहेगा। तो आपको अपने जीमेल का पासवर्ड जैसे ही डालकर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, या तो डायरेक्ट भी आ सकता है या तो लॉगिन करना भी पड़ सकता है। तो आपको अपना जीमेल पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सब आपको यहां पर शो करने लगेंगे। अब इन सबको हमें अपने फोन में वापस लेना है तो यहां पर देख सकते हैं थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस एक्सपोर्ट बटन पे आपको एक बार टैप कर देना है। अब जैसे टैप करेंगे तो देखेंगे कॉन्टैक्ट 276 यहाँ दिखाई दे दिया, और यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक गूगल का, एक आउटलुक का और एक वी कार्ड का। तो आपको वी कार्ड फ्रॉम iOS कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर में आपको टैप करना है, तो यहाँ पे टैप कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है तो आपको इस एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डाउनलोड फाइल आएगा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर के अंदर में ये कॉन्टैक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट है
डाउनलोड हो गया है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको एक बार टैप कर देना है। तो जैसे ही टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा, आपको एक बार इसके ऊपर में टैप करना है। अब जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इस इंपोर्ट पर भी एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि यह सारे नंबर आप फ़ोन में लेना चाहते हैं या इस जीमेल में लेना चाहते हैं या इस जीमेल में लेना चाहते हैं। तो मेरे फ़ोन में दो जीमेल है तो दो जीमेल शो कर रहा है और फ़ोन है तो फ़ोन शो कर रहा है। यदि यह नंबर आप फ़ोन में लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें, यदि आप यह सारे नंबर इस जीमेल पर लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें, यदि यह सारे नंबर आप इस जीमेल पर लेना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करें। तो मैं फ़ोन में लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करूँगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में यहाँ पे इंपोर्टिंग होगा और ये सारे नंबर जो हैं मेरे फ़ोन में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, तो देख सकते हैं थोड़ी देर के अंदर में ये सारे नंबर मेरे क्या हो गए कि फ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में दिखाई देने लगे। तो इसी तरीके से आप भी अपने सारे जीमेल के नंबर को अपने फ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में या आप दूसरे जीमेल पर ले सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस था। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बता रहा था। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। इसी प्रकार का मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, उसके लिए हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।